बात कर लेते हैं बाइक की प्राइसिंग की, क्योंकि 363 से आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग देखने को मिलती है। स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइसिंग होने वाली है जयपुर की 363,00,000। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गाड़ी वाला चैनल। शुरू करती है वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन की, जो कि आपको 650 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि 4 स्ट्रोक SO80 एयर ऑयल कूल में आपको दोनों में आपको इंजन देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई दोनों आपको इस वजह से दिए हुए कि भाई 650 सीसी भाई हीटिंग इशू तो आपको नॉर्मली होगा ही। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर की, जो कि 47 PS की पावर जनरेट करती है और भाई 52 Nm न्यूटोमीटर टॉर्क जनरेट करती है भाई बाइक। भाई इतना तो मतलब बनता है भाई 650 सीसी तो भाई हीटिंग बड़ा हो गया, पावर जनरेट ज़्यादा पावर जनरेट करेगी। और भाई 15.7 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, फ्यूल टैंक पे आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी तगड़ी होने वाली है। हेडलाइट की बात करते हैं, जो कि आपको मतलब फुल्ली मतलब LED में हेडलाइट देखने को मिल जाती है। सामने चेकआउट कर सकते हो आप मिरर में, सामने से मैं दिखा देता हूँ भाई इसका जो आप चेक वाइजर है ना, वो चेकआउट कर लो, कितना बड़ा वाइजर है, काफ़ी तगड़ा वाइजर होने वाला है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होने वाले हैं, अप्स एंड डाउन साइड के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होने वाले हैं। फ्रंट के जो टायर साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ, 190/19 का आपको फ्रंट का टायर साइज देखने को मिल जाता है। बाइब्री की आपको ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, 320 mm के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को, डिस्क जो प्लेट होने वाले वो देखने को मिल जाती है। 6-speed गियरबॉक्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। एयर कूल आपको यहाँ पे सामने चेकआउट कर सकते हो, एयर कूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहीं पे बात कर लेते हैं सिंगल हॉर्न में आपको बाइक देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं रियर के साइड में, पर रियर में आपको 300 mm की आपको इसकी जो ये ब्रेकिंग प्लेट होने वाली वो देखने को मिल जाती है। बाइब्री का ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, रियर का जो टायर साइज है ना वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 150/80/16 का आपको रियर का टायर साइज देखने को मिलता है। डबल सिलेंडर में आपको बाइक देखने को मिलती है, चेकआउट कर सकते हो, एक ही साइड में हो गया, एक उस साइड में हो गया भाई। 6 स्टेप आपको इसमें ट्विन स्पार्क जो सस्पेंशन होने वाला है वो आपको देखने को मिल जाता है। सुपर मीटियोर 650 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। इंजन में आपको काफ़ी तगड़ी रॉयल इनफील्ड की आर का शाइन देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी तगड़ा भाई, काफ़ी शानदार बाइक होने वाली है। स्प्लिट सीट में आपको बाइक देखने को मिल जाती है, और भाई यहाँ पे बैक रेस्ट पिलियन के लिए बैक रेस्ट आपको दे दिया गया है, यहाँ पे ग्रैब व्हील आपको दे दी गई है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। टेल लाइट भी आपको LED में देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इंडिकेटर आप चेकआउट कर सकते हो, आपको LED जो इंडिकेटर होने वाले वो भी आपको LED में ही देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं भाई, सारी गाड़ी यहाँ पे दे दिया गया है, आपको फुटरेस्ट दे दिया गया है भाई, 15 लीटर का फ्यूल टैंक, सीट हाइट 241 kg का आपको इसका जो कर्व वेट होने वाला है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 650 cc की बाइक है, एक GT हो गई इंटरसेप्टर 650 cc की, एक आपको ये दे दी गई है सुपर मीटियोर 650 cc की, मतलब मीटियोर 350 का बाप दे दी गई है, हंटर का बाप दे दिया है भाई। तो एक उठा के मतलब तो एक चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी तगड़ी बाइक होने वाली है। मतलब आलोक थिंग्स की बात करते हैं, मतलब पूरी बाइक की बात करें तो बाइक काफ़ी तगड़ी होने वाली है भाई। अब यहीं पे बात कर लेते हैं इसका मेन जो एनालॉग होने वाला है ना, क्या एनालॉग होने वाला है, यहीं पे बताया माइलेज की बात कर लेते हैं भाई। इससे पहले तो माइलेज आपको मतलब 20 से 25 का आपको माइलेज निकाल के दे देती है करीबन, या लास्ट आप 15 से 20 का मान लेना, माइलेज आपको ये करीबन दे देती है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। यहीं पर बात कर लेते हैं इसके एनालॉग के बारे में, तो भाई एनालॉग आप चेकआउट कर सकते हो, एक बार बंद करके मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। एनालॉग जो कुछ होने वाला है ना वो 200 तक स्पीड आपको पूरी सुई घूम जाती है भाई। टाइम दे दिया गया है, यहाँ पे इको गियर का दे दिया गया है, गियर इंडिकेटर हो गया, टाइम दिखा रहा है, फ्यूल टैंक वाला दिखा रहा है, किलोमीटर दिखा रहा है, ट्रिप ऐप दिखा रहा है। इस साइड में आपको आई बटन नेविगेशन, यहाँ पे आपको आई बटन दे दिया गया है। ये भाई LED जिसका जो फ्रंट हेडलाइट होने उसका पासिंग स्विच हो गया, ये भाई इंडिकेटर हो गया, हॉर्न भी काफ़ी तगड़ी होने वाली है भाई। स्टार्टिंग का ये होने वाला है एग्जॉस्ट साउंड, इसका मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। क्या है एग्जॉस्ट साउंड भाई, खतरनाक एग्जॉस्ट साउंड इसका दे दिया गया है। और भाई इस साइड में आपको दो जो होने वाले इसके मीटर होने वाले, 2 मीटर दिए हुए, इस साइड में भी आपको टाइम दिखाते हैं और इस साइड में भी यहाँ पे भी आपको टाइम दिखाता है भाई। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग होगी और इसके जो आई बटन सारे नेविगेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हीटिंग वाला आपको दे दिया गया है, ABS ड्यूल चैनल ABS दे दिया गया है, पावर वाला दे दिया गया, बैटरी का दे दिया गया है, इंडिकेटर हजार का सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। हजार आप फ्रंट में चेकआउट कर सकते हो, हजार का सिस्टम भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाता है, देखने को मिल जाता है। तो भाई ये होने वाली भाई बाइक की डिटेलिंग, मतलब ऑल ऑफ थिंग्स की, मतलब सब कुछ छोड़ो यार, तुम बाइक की बात करें ना, मतलब भाई साहब मैं रॉयल इनफील्ड की सभी बाइक्स का दीवाना हो गया हूँ भाई। सच्ची बात करें तो जो रॉयल RE की बाइक्स है ना, मैं इसकी सभी बाइक्स का दीवाना हो चुका हूँ। मुझे सभी बाइक्स RE की सभी बाइक्स मुझे काफ़ी तगड़ी लगती है, मतलब मैं प्रॉपर दीवाना हूँ भाई। ब्रेकिंग सिस्टम आप चेकआउट कर सकते हो,
सब कुछ आपको LED में दे दिया गया है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सही स्पीड गियरबॉक्स हो गए, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, 785 mm की सीट हाइट हो गई, स्प्लिट सीट दे दी, टेल लाइट दे दी आपको, सब कुछ मतलब LED में देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और मतलब, तो ये कुछ काफ़ी तगड़ी चीज़ होने वाली है। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी तगड़ा दे दिया, 15 लीटर का फ्यूल टैंक दे दिया, मतलब काफ़ी हैवी बाइक दे दी आपको, 650 cc की काफ़ी तगड़ी बाइक दे दी। फ्रंट में आप चेकआउट कर सकते हो, आपका भाई भी खड़ा है, पूरी बाइक खड़ी है फ्रंट में, तो ये काफ़ी तगड़ा होने वाला है सौदा। और भाई आप मिरर में चेकआउट कर लो बाइक को फ्रंट से, काफ़ी तगड़ी बाइक लगी है, मैं तो भाई दीवाना हो गया सच्ची बताऊँ तो ये बाइक काफ़ी एक चीज़ है। और एड शोरूम की जो डिटेल्स है ना, मेन चीज़ शोरूम की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा, तो आप एक बार जाना और चेकआउट कर लेना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, धन्यवाद।